अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स? आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज का टॉपिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? लास्ट टॉपिक में आपको याद होगा हमने बात की थी कि न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इसकी डायग्राम अगर आप देखें, डायग्राम लास्ट टाइम मैंने डायग्राम में बात की थी कि अगर ये कोई सेल है इस तरह से, लेट्स सपोज एनिमल सेल, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है दरमियान, राइट। ये न्यूक्लियस है, ये मैं कहता हूँ कि जी एनिमल सेल है, एनिमल सेल, राइट। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी इस तरह से, ये वाली मेम्ब्रेन, हमने इस मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ली, राइट। तो इस पूरे को हमने नाम दिया था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और उसके ऊपर वाले कवर को नाम दिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो आज हमने इसी के बारे में बात करनी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर देखें गौर से तो पता चलेगा कि ये इस तरह से है, ऐसे है, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसमें पोर्स बने हुए हैं, राइट। ये वाले जो पोर्स हैं, ये वाले जो ये वाले पोर्स हैं, इनका नाम रखा हुआ है न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है? क्योंकि मैंने कहा था कि ये वाला हिस्सा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, राइट, और ये न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ये तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसे कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। अब यहाँ पे दो मेम्ब्रेन की बात होगी, एक तो बात की हमने के बाहर वाली मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या रखा हुआ है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी मेम्ब्रेन की बात होगी जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर वाली ये वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाली, राइट। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसका काम क्या है, वर्क इसका काम ये है कि न्यूक्लियस के अंदर वाला जो मटीरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर प्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलहदा रखती है। बाहर चूंकि साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो दरमियान में बाउंड्री का काम करेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो इसकी दो लेयर्स होती हैं, टू लेयर्स इसकी दो लेयर्स होंगी, टू लेयर्स, राइट, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। यानी यहां से बाहर वाली वो लेयर है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिल रही है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली लेयर इसकी वो लेयर है जो कि इनर पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का जो मटीरियल है उसके साथ मिल रही है, ठीक है, मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस, जो कि मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस के साथ मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि नंबर वन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो अटैच है, ठीक है, अटैच, और दूसरी कौन सी है, मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस के साथ जो अटैच है, ठीक है, अटैच है। तो दो लेयर है, तो बाहर वाली लेयर जो है सेल के साइटोप्लाज्म के साथ मिली हुई है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है और एक्सटेंड हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और न्यूक्लियस की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर के मटीरियल के साथ अटैच है, और जो के
इसके न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट्स के साथ अटैचमेंट कर रही है, राइट। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं, ये कितने पोर्स हो सकते हैं। एक हमने कहा कि अगर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की बात करें, एग, ठीक है, ये तकरीबन 30,000 पोर हो सकते हैं पर न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस में 30,000 पोर हो सकते हैं। और अगर डिफरेंशिएटेड की बात करें, डिफरेंशिएटेड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है जी, आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 3 से 4 पोर होते हैं पर न्यूक्लियस, राइट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।